नॉर्थ इज स्पीकिंग राइट नाउ, लेट्स ट्राई एंड कट इट। बुद्धिजीवियों से यही चाहूंगी कि पैलेस्टीन के इशू में जाने से अच्छा है या कहीं और जाने जहां आप कभी गए नहीं हैं, जहां की राजनीति आप समझते नहीं हैं, आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों से बहकाया जाता है। आप कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ें, आप संदेश खली की महिलाओं के लिए लड़ें, आप जो है कन्हैया लाल जैसे इंसान जिसको दिन दहाड़े जो है गर्दन काटती जाती है, आप उसके लिए लड़ें। चूज योर बैटल्स, नहीं तो हमारा देश आगे बढ़ने तो बढ़ेगा, उसको इतनी पावर और इम्पावर करेंगे, आगे बढ़ने से ज्यादा जो है वो भटक जाएगा। इसलिए चूज योर बैटल्स वाइजली। देखिए, सरकार भी तभी कोई काम कर सकती है अगर उसमें जनमत हो। तो जैसे आपने मुहिम चलाई है अलग अलग चीजों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए मैं चाहूंगी बुद्धिजीवियों को कि उनके लिए मुहिम चलाए। कहाँ पे उनके शुरू में? यस, डेफिनेटली। मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर जो है हमेशा कश्मीरी पंडितों के उसके लिए कहा हुआ है, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। कंगना, मंडी का जो इशू है यहाँ पर, ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर का एक बड़ा इशू है, खासकर से ये यंगस्टर्स को लेकर। तो आप इसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कॉर्नर करती रही है बीजेपी को इन मुद्दों को लेकर, तो आपके क्या भाव है इस मुद्दे पर? देखिए, हर जो एक देश होता है जिसकी इतनी आबादी है, जैसे पिछली टर्म में हमारे प्रधानमंत्री 120 करोड़ बोलते थे, अब 140 करोड़ बोलते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर आबादी जिस स्तर से बढ़ रही है, उस स्तर से जो है एक सरकार जिसके अभी सेकंड टर्म ही हुई है, उसके लिए रोजगार जुटाना जो है एक अपने आप में ही उनको कई इनोवेटिव तरीकों से आना पड़ेगा। अब मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगी कि इसराइल जैसे जो देश हैं वहाँ पर आर्मी में जाना जो है वो कंपलसरी होता है, वो कोई करियर या कोई फ्यूचर या जॉब नहीं, आर्मी ट्रेनिंग होना, ताकि जो लोग, जैसे हमने देखा है कि पंजाब में जो है ड्रग्स हो गए या ड्रग्स माफिया हो गए, पूरी की पूरी गांव जो है वो विधवाओं के हैं, नस्लों को जो है खोखला कर दिया गया है। उस ध्यान से रखते हुए ये जो हेरोइन का ये बहुत बड़ा जो हमारे हिमाचल प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है, इससे जो यूथ है बिल्कुल जो है वो ड्रग्स के अंदर जो है वो हो गया है। छोटे उम्र में यूथ को एक डायरेक्शन देना, उनको एक ट्रेनिंग मिलना, एक, अगर आप कहें तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगी, जैसे हमारे छोटे शहर की बेटियां जब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं, उनको स्टाइलिंग टीम जो है वो ग्रूम करती है, यहाँ आकर वो चाहे अपना कोई बुटीक खोले या कोई ब्यूटी पार्लर, उनके लिए एक व्यवसाय बनता है। उसी तरह से जब एक युवक को जो है एक मेंटल फिजिकल